की सीरीज जो चल रही है आज, कल था रियलिटी, आज है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी मतलब क्या? सबसे पहला बाबा ने एक कहा था, रॉयल्टी का मतलब है फर्स्ट इज इच्छा मात्रम अविद्या, रॉयल आत्मा अर्थात भरपूर आत्मा। बाबा की मुरली 91 की प्यूरिटी की रॉयल्टी, तो रॉयल आत्मा मतलब भरपूर आत्मा। तो सबसे देवी देवताओं के आगे, जैसे उनको कोई भी संकल्प चलेगा, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ संकल्प नहीं चलता है। तो ये स्थिति बाबा ने आज भी कहा ना कि राज्य बाद में जाके तो सिर्फ भोगना है, उसको तो एंजॉय करना है, पुरुषार्थ अभी करना है। इच्छा मात्रम अविद्या, उस दिन परसों के दिन जब था पुरुष वो 5:30 केस में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि योग हमने किया इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि कई बार विशेषकर योग में तो हमारी लिस्ट रहती है बाबा की, ये कर दे वो कर दे, मतलब ना बाबा के सामने हम और किसी से नहीं रखते, लेकिन ये बाबा को भी कहना, ये भी क्योंकि कितने बार बोल दिया वो चीज, बाबा को नहीं बोला है कितने बार बोल दिया ना बाबा, संकल्प कर लिया बोल दिया बाबा को, तो अब रोज रोज योग में भी लिस्ट निकाल के रखो सारा समय कि बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, बाबा ये करना है हमको। बाबा ने विधि बताई, श्रेष्ठ संकल्प रखो जैसे अभी बताए, विजुअलाइज करे वो करो स्वमान में, पर ये लिस्ट बाबा के सामने, इच्छा मात्रम अविद्या, लोगों से नहीं बाबा से भी नहीं। आज ऐसा योग हो अब से कि मुझे कोई भी संकल्प नहीं, बाबा के सामने बैठो तो हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद भी सोचा कि कुछ कुछ संकल्प होते हैं ये, तो ये जब से बाबा की चली थी ना, ये 4 दिन पहले या उसके पहले से भी चल रही था, लेकिन एक हफ्ते पहले साकार मुरली जो चली थी इच्छा मात्रम अविद्या की, मैंने संकल्प कर लिया कि कुछ भी संकल्प बाबा को मुझे भी बोलना ही नहीं, अपने तरफ से वो शुभ भावना रखनी है, श्रेष्ठ संकल्प रखने, क्योंकि वही संकल्प फिर बाबा के सामने रुलाता भी है मुझे, बाबा ये नहीं हुआ, बाबा ऐसा हुआ ना, वही रुलाता है क्योंकि वही संकल्प किया था। तो रॉयल आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूं? कंप्लीट रॉयल, नो इच्छा मात्रम अविद्या, तो एक्सपेक्टेशन और इच्छा है ये कंप्लीट जीरो, ये वाला आज का पुरुषार्थ। तो आज पूरे दिन योग करे, संकल्प बाबा के सामने, आप देखो कि हम एक्चुअल बाबा से मिलते हैं, नहीं तो खाली संकल्प ही, दुनिया वालों का ही संकल्प, क्योंकि जैसे मैंने समझा बच्चा है ना बीमार है, बच्चा ठीक हो जाए, ये संकल्प किया बाबा के सामने, कौन सा फिगर सामने आएगा? बुद्धि रूपी नेत्र किसको देखेगी? बच्चे को देखेगी, बच्चे की बीमारी को देखेगी, तो उतने समय बाबा तो याद नहीं रहे ना, ऐसे करके पता नहीं और कितने सारे ऑफिस में जॉब के फ्रंट्स पे ऐसे ऐसे। तो एक तो ये संकल्प, दूसरा ऑफरिंग्स, रॉयल आत्मा के सामने ऑफर होता है। मोहिनी बहन एक बार हम लोग जाते थे, मोहिनी बहन जब भी आती थी लेने, तो अक्टूबर की बात है, इसके बाद तो कोविड हो गया, तो वो नवरात्रों का टाइम चल रहा था उस समय, तो एयरपोर्ट पे हुआ, मतलब वो जैसे एयर इंडिया का ऑफिसर था, बोला वेटिंग रूम में देवी आई है, देवी वेटिंग रूम में बैठी है, तो और 30 ऑफिसर्स को लेकर आ गया कि देवी आई है हमारे लॉन्च में बैठी है। तो मतलब रॉयल आत्माएं क्या होती, उनके सामने ऑफरिंग्स आती है, बोलना नहीं होता है उनको, ऑटोमेटिक आती है। दादी जानकी हमेशा कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, फीस तो खैर नहीं देते हैं, वो तो लेते ही नहीं है, पर मैं और लेकर आती हूँ वो उनको एनवलप देते हैं। रॉयल आत्माएं मतलब ऑटोमेटिक भावनाएं, ऑफरिंग्स आए, हमें ऑफरिंग्स के पीछे नहीं जाना है। आज बाबा के जिसने पवित्रता की व्यक्तित्व को अपने जीवन में लाया,
वो आत्मा यज्ञ को सस्टेन कर पा रही, यज्ञ की पालना उन आत्माओं से हो रही है, ऑटोमेटिक सब कार्य होता है, आता है। तो मैं रॉयल आत्मा, मैं भागू नहीं संकल्पों से या किसी आत्मा से, बाबा का कार्य है ना, बाबा कैसे कराएगा बाबा जाने, मुझे वो संकल्प भी क्यों करना है। और तो ये है रॉयल आत्मा। और तीसरा रॉयल्टी बताना, वो तीसरा है रॉयल्टी, अर्थात कोई भी, बाबा ने ये जरूर कहा है कि रॉयल आत्मा एक तो मांगने के संस्कार नहीं, और किसी भी व्यक्ति वस्तु का प्रभाव संकल्प मात्र भी नहीं, कोई भी रॉयल आत्मा को कि उसका ना मुझे प्रभावित, उसकी वो बात अच्छी लगी, अच्छी लगी इंस्पायर किया, प्रभावित होने वाला, प्रभावित का एटीट्यूड ही नहीं है रॉयल आत्मा में। और फोर्थ है रॉयल्टी, मतलब मेरी रॉयल्टी रियल रियलाइजेशन होता है, लेकिन रियलाइजेशन मिस्टेक्स की नहीं हो मेरी रॉयल, लेकिन उसको अपने रॉयल स्वरूप की रियलाइजेशन। हमारा मकसद कोई मिस्टेक्स की रियलाइजेशन, मैं जिस आत्मा के सामने हूँ उसको अपना ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति आए, उसकी अपना अपनी पावर की स्मृति आए। तो रॉयल आत्मा अर्थात ये होमवर्क चार, ठीक है वापस बता देना। एक है इच्छा मात्रम अविद्या, मुझ पर किसी भी व्यक्ति वस्तु का प्रभाव न हो। दूसरा बताना वापस, उस पीपीटी को बता देना। और तीसरा है मेरी रॉयल्टी दूसरे की रॉयल्टी को एक्टिवेट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी रॉयल्टी दूसरे की रॉयल्टी को एक्टिवेट करे। ये आत्मा भी रॉयल है, ये आत्मा भी रॉयल है, उसकी प्यूरिटी की रॉयल्टी को एक्टिवेट करे। करें अभी हम वैसा योग, इसका डिटेलिंग बहुत अच्छा योग है जो कल हम करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देवी देवताओं की रॉयल्टी देखे कि मैं ऐसी विशेष रॉयल आत्मा। कोई भी इच्छा संकल्प मात्र भी नहीं। मैं आत्मा, देवात्मा, जहां भी देख रही हूं मैं देवात्मा, सिर्फ देने की भावना, संकल्प में भी संकल्प किया और वो हासिल। दृष्टि रॉयल आत्मा की दृष्टि, किसी का कुछ भी सुनते हैं अभी न्यूज पर, संकल्प यही रहेगा मैं बहुत तकदीरवान हूं, मैं रॉयल आदि स्वरूप की रॉयल्टी, देवताओं की मेरी रॉयल्टी।
आंख कहीं भी डूबती नहीं है। स्वयं का वो स्वरूप देख रहे हैं, यहां वहां दृष्टि दे रहे हैं, संगम युग में मैं आत्मा बाबा से लेती जा रही हूं। स्वयं को देख रहे हैं देव आत्मा, आदि स्वरूप की रॉयल्टी बात करेंगे अदब से, रिस्पेक्ट से देखेंगे देने के लिए, चलेंगे रॉयल्टी से, मैं रॉयल आत्मा शांति। ओम शांति।